आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर शिक्षा में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड में टॉप 10 पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक के बारे में सीखेंगे जो आपके काम को आसान करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टॉप 10 टिप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर आता है आपका फॉन्ट, है ना। जैसे जिस प्रकार आप एमएस वर्ड में काम करते हैं, कई बार आपको एमएस वर्ड में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना रहता है ना, तो बार बार आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, तो उसमें आपका काफ़ी समय लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार शॉर्टकट की बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैक्रोस में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और कीबोर्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक शॉर्टकट की चूज़ कर लेंगे, Ctrl+1, है ना। उसके बाद असाइज कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये होता है फ्रेंड आपको पहले में इंग्लिश, है ना। इंग्लिश करने के लिए आपको Ctrl+1 चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको भी इसको अब पाउस करके यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ठीक है, पहला रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद सेकंड के लिए फिर से रिकॉर्ड मैक्रो, है ना, मैक्रो करेंगे। उसके बाद फिर कीबोर्ड में फिर अब लेंगे Ctrl+2, है ना। ये होता है आपका हिंदी के लिए करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होम में जाना है और यहाँ पे फिर से अब हिंदी को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये चूज़ हो गया। उसके बाद फिर से ये व्यू में जाना है, फिर पाउस करके इसके बाद रिकॉर्ड स्टॉप, है ना, देखिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे अभी हिंदी में है ना, देखिए एमएस वर्ड है ना। अब इंग्लिश चाहिए तो Ctrl+1, है ना, तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया, है ना। फिर Ctrl+2 हिंदी के लिए, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, बना सकते हैं शॉर्टकट की। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आप इसमें देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, ये करेंगे तो और इंटर कर देंगे तो आपको टेबल आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार टेबल को इसको छोटा बड़ा करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आपका टिप नंबर तीसरा है ना, जिसमें आप कॉलम वाले डेटा में आप जो देखिए इसमें नाम दिए हुए हैं, स्टार्ट एस से हुआ है, फिर एम, फिर ए, है ना, इसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में कैसे जमा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए सिलेक्ट करना है यहाँ से और सॉर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और देखिए सॉर्ट बाई में यहाँ पे Column 2 में असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाने के लिए देखिए अब ए बी एच एम एस, है ना, देखिए आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देखिए यहाँ पे आपको इंसर्ट करने के लिए, देखिए जब भी आपको एक रो के नीचे रो इंसर्ट करना है तो आपको लास्ट कॉलम के बॉर्डर के बाहर में करके इंटर करते जाएंगे तो आपका ये इंसर्ट होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप टैब करते जाएंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, टिप नंबर है पांचवा। ठीक है, इसमें आपको माइनस 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 3 बार करके इंटर करना है तो आपको एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको माइनस 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 करेंगे और यहाँ पे आपको डार्क लाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल इक्वल इक्वल, है ना, इसके बाद फिर देखिए आपको डबल लाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैज़ 3 बार करेंगे तो इस प्रकार का लाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे स्टार 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 करेंगे तो इस प्रकार डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया, है ना। उसके बाद इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ तो इस प्रकार लाइन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके टिप नंबर 6 में आता है आपको, जब भी आपको बीच में या कहीं किनारे में आपको टाइपिंग करना है तो आप माउस पॉइंटर को डबल क्लिक करके आप यहां से टाइप कर सकते हैं। जैसे यहां पे करना है तो यहां पे डबल क्लिक किया और यहां से टाइप हो जाएगा, है ना। आपको यहां पे टाइपिंग करना है तो इसको भी आप यहां से टाइप कर सकते हैं। देखिए नीचे पे यहाँ पे करना है तो यहाँ पर भी आप इसको टाइपिंग कर सकते हैं, बीचों में, लाइन में, लास्ट में, है ना, तो इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पे आता है Alt+Cursor का यूज़ करके आप इसमें इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप इसको कहाँ से कहाँ तक है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 8 नंबर पर आता है Ctrl+Enter, है ना। Ctrl+Enter करके आप एक पेज में डाटा बना है उसको डायरेक्ट दूसरे पेज में ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो रहा है ना,
देखिए दूसरे नंबर से अब तीसरे नंबर पे आ गया है ना, कंट्रोल प्लस एंटर से, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए आ गया है ना, अब तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है नौवा नंबर है ना, तो कंट्रोल प्लस डबल क्लिक करके आप अलग अलग वर्ड्स को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये हो रहा है, कंट्रोल प्लस डबल क्लिक है ना, देखिए यहाँ से आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आता है दसवें नंबर पर, आप जब भी यहाँ पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो आपका एक वर्ड्स जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैक स्पेस से आप इसको वर्ड्स को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके बारे में आपने जाना, ठीक है।